हेलो एवरीवन, कैसे हूँ आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तो देखिए, वीडियो शुरू किया है मैंने सुबह, अर्ली मॉर्निंग से। सुबह के 6 बज चुके हैं और सुबह मेरी आँख भी खुलती है किचन में ही, और सबसे पहले उठते ही मैंने यहाँ बैटर भिगो के रख दिया था। इसमें मैंने 2 कप जितना रवा लिया है, मतलब सूजी, और साथ में ही 1/2 कप जितना मैंने बेसन ऐड करके और 1/2 कप दही, इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करके भिगो दिया था। और अब मैं उसके अंदर डालने के लिए थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर रही हूँ, और इसका मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ क्योंकि सभी को भूख लग चुकी है और बेटी की क्लासेस है तो नाश्ता करके जाती है। तो बस यहाँ 4 से 5 कली लहसुन और 4 से 5 हरी मिर्च ले ली है, और इन सबको अच्छे से हम पीस लेंगे। और 10 से 12 दिन हो चुके हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और सूर्य नारायण के तो दर्शन हमने करीब करीब 10 से 12 दिन से किए ही नहीं है। और आप देख सकते हैं अभी सुबह के 6 बजे हैं। वैसे तो हल्का सा आपको उजाला दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा दिनों से बारिश शुरू ही है। और यहाँ आप देख सकते हैं हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट तैयार कर दिया है, तो बस इसे बैटर में मिला दिया है और मिक्सी जार में और थोड़ा सा 1/2 कप जितना पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि सूजी भिगोया था तो काफ़ी सारा पानी सूख कर लिया था, तो उस बैटर को बस लूज़ करने के लिए 1/2 कप जितना पानी ऐड किया है। और इसमें हमें ढेर सारी सब्जियां कट करके डालनी है, और अभी उसकी क्लासेस है तो लेट हो रहा है, तो बस मैं ज़्यादा सब्जियां तो है लेकिन फिर भी मैं ऐड नहीं करने वाली हूँ, और इसका बहुत ही बढ़िया वाला नाश्ता बनाने वाली हूँ। कुछ एक कर देंगे, सबसे पहले पाउडर मसाले, हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में ही मिला देंगे हम भुने हुए तिल, और साथ में ही डाल दिया है मैंने शुगर तकरीबन 2 चम्मच, दही खट्टा था तो टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा डाल दिया है कटा हुआ धनिया, और साथ में ही डाल देंगे कटा हुआ ढेर सारा कड़ी पत्ता। और अगर आप सब्जियां डालने वाले हैं तो थोड़ा सा सौते करके कड़ी पत्ता उसी में सौते करके आप मिला सकते हैं। और मैंने कहा ना, सब्जियाँ तो है लेकिन कट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि पूजा करने भी जाना है, नहाना भी है, और पूजा की तैयारी भी करनी पड़ती है, और पूजा के लिए हमेशा ही मैं प्रसाद ताज़ा बना करके लेके जाती हूँ, तो बस उसको भी मुझे बनाना रहता है और लंच की तैयारी भी साथ में करनी पड़ती है। तो बस सब्जी के नाम पे मैं सिर्फ और सिर्फ प्याज मिलाने वाली हूँ। इसमें आप ढेर सारी सब्जियाँ मिला सकते हैं, गाजर मिला सकते हैं, कैप्सिकम मिला सकते हैं, साथ में आप फ्रेंच बीन्स मिला सकते हैं, क्या सब्जियां आपके बच्चों को जो पसंद है वो भी मिला सकते हैं, और आलू भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, और इससे आप अपम भी बना सकते हैं और हांडवा भी बना सकते हैं और साथ में उत्तपम भी बना सकते हैं। तो चलिए, आज मैं उत्तपम भी नहीं और हांडवा भी नहीं, उसके बीच वाला चीज़ बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ मैंने एक प्याज कट करके डाल दिया है और तकरीबन डाल दिया है 2 चम्मच के करीब तेल। तेल ज़रूर से मिलाइएगा, इससे इस नाश्ते की शाइन काफ़ी अच्छी आती है। तो बस यहाँ पैन को गर्म करने रख दिया है और उसमें सबसे पहले डाल देंगे तकरीबन 2 चम्मच जितना तेल, और तेल गर्म हो रहा है तब तक बैटर में हम मिला देंगे थोड़ा सा सोडा, और सोडा यहाँ मैं काफ़ी कम ही ऐड करूँगी, और चाय भी मैंने आप देख सकते हैं चढ़ा दी है, तो सोडा आप देख सकते हैं चुटकी भर से भी थोड़ा सा कम है, और डाल देंगे और उसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा पानी जिससे वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाए। यहाँ दही हमने काफ़ी खट्टा लिया है तो बस फटाफट से वो एक्टिवेट हो ही जाएगा। अगर आप इनो ले रहे हैं तो 1/2 चम्मच के करीब लीजिएगा, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आप देख सकते हैं बैटर काफ़ी फूल चुका है। और तेल के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी राई, और यहाँ आप तेल भी डाल सकते हैं, आपके बच्चे जो भी पसंद करते हैं वो आप डाल सकते हैं, और जैसे ही क्रैकल करने लगे तब उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा बैटर, और तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने बैटर मिलाया है, और उसे बस इसी तरह से पैन में फैला दे रही हूँ, और ज़्यादा मैं ना मोटे बना रही हूँ ना पतले बना रही हूँ, बस मीडियम साइज़ की। इसे आप हांडवा भी नहीं बोल सकते हैं और उत्तपम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उत्तपम इससे थोड़ा पतला रहता है, हांडवा इससे थोड़ा मोटा रहता है। तो बस इस तरह से ही मैं दोनों तरफ से
करारे से सेक करके तैयार कर दूंगी। तो यहाँ देखिए एक तरफ अच्छे से पक चुका है और इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम इसे पकने के लिए रख देंगे। और इसमें काफ़ी कम ही तेल में ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ देखिए दूसरी तरफ भी हल्का सा कलर ले लिया है, गुलाबी सा कलर हो चुका है। तो मैंने उसे पलट दिया है और एक तरफ मैं अच्छे से करारा सा सेक करके तैयार करूँगी और ये फटाफट से 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर ही हो जाता है। और स्लो टू मीडियम गैस पे आप इसे बनाइएगा। तो देखिए यहाँ दूसरी तरफ भी काफ़ी अच्छे से करारा सा सेक करके तैयार हो चुका है। तो चलिए फटाफट से निकाल देते हैं प्लेट में और इसे मैं पैरअप कर रही हूँ। साथ में दिया है मैंने सॉस, केचप है। तो चलिए फटाफट से दूसरा भी रख देते हैं और उसके लिए फिर से मैंने पैन में ले लिया है 2 चम्मच तेल। और हम तेल इस बार मैं डालने लगी हूँ तेल, और तेल मैंने वैसे तो बैटर में भी उलाया है क्योंकि ऐसे तेल में डालते हैं ना तेल बहुत ही उड़ते हैं, आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा उड़ते हैं, गैस ख़राब हो जाती है। और ऊपर से सबसे पहले तो है ना मेरे पे उड़ते बहुत है और मेरे को है ना जलने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो बस इसी वजह से मैं तेल को है ना चौक में मिलाने से अच्छा है कि मैं बैटर में मिला देती हूँ। तो बस ये दिखाने के लिए ही आपको मैंने तेल दिखाए थे और तेल डालने के बाद बैटर डाल दिया है और बैटर पकने के लिए रख दिया है। तब तक यहाँ मैंने जो उत्तपम बोल सकते हैं या हांडवा भी बोल सकते हैं बस उसे मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये आप अपने बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, नाश्ते में दे सकते हैं, छोटी मोटी भूख लगे तो भी आप झटपट इसे बना करके तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही स्वाद लगते हैं। और इसी बैटर से आप अपम भी बना सकते हैं, अपम भी इसके बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो चलिए फटाफट से ये कट हो चुके हैं और इसके ऊपर आपके बच्चों को पसंद है तो चीज़ डाल दीजिएगा, थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके डाल दीजिएगा, वो भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मेरे पास तो अभी था नहीं तो बस मैंने डाला नहीं है, अगर आपके बच्चों को पसंद है और आपके पास है तो ज़रूर से डालिएगा। तो चलिए फटाफट से अभी नाश्ता दे देते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और बाकी के काम भी मुझे शुरू करने हैं। और आपको मेरी रेसिपी, मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको पसंद आते हैं तो बिना लाइक किए हुए नहीं जाइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से लगा दीजिएगा जिससे आगे आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले पहुँच जाए। कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। वैसे तो डेली मैं कुछ नया बना के लेके जाती हूँ, कल मैंने गाजर का हलवा लेके गई थी और आज सोच रही हूँ मैं सुखड़ी ले जाती हूँ। तो चलिए आपके साथ में रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ सुखड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं प्लेट में मैंने थोड़ा सा घी लगा करके तैयार करके चिकना करके रख दिया है। और यहाँ सुखड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 1/3 कप के करीब घी, 1/3 कप से थोड़ा सा कम है क्योंकि ये मैंने ताज़ा ही घी है तो 1/3 कप के करीब लिया है। और सारे मेजरमेंट जो है आप 1/3 कप के करीब ही हम ले रहे हैं। जब हम 1/3 कप के करीब घी ले रहे हैं तो आटा भी इसमें हम 1/3 कप ही ऐड करेंगे। अगर आपके पास मोटा आटा है तो वो लीजिएगा, अगर नहीं है तो किस तरह से मैं मोटा आटा बना रही हूँ बस वहीं आप देख लीजिएगा और बनाइएगा। तो यहाँ 1/3 कप रेगुलर रोटी वाला गेहूँ वाला आटा लिया है तो उसमें से मैं तकरीबन 2 चम्मच जितना आटा मैं निकाल दे रही हूँ और उसके बदले मैं डालने वाली हूँ 2 चम्मच के करीब इसमें सूजी। 2 चम्मच हमने आटा निकाल दिया है तो उसमें हम 2 ही कप सूजी ऐड करेंगे जिससे ये मोटा आटा बन जाएगा। अगर मोटा आटा है तो आप 1/3 कप के करीब मोटा आटा ले लीजिए, अगर नहीं है तो इस तरह से आप मोटा आटा बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम घी में डाल देंगे और अब हमें इसे भूनना है। और सबसे पहले तो आप अच्छे से उसे मिक्स कर दीजिए और जितने भी लम्स हैं उसे निकाल दीजिए। वैसे तो लम्स रहेंगे नहीं, जैसे जैसे आप भूनते जाओगे सारे के सारे लम्स निकल ही जाएंगे। और इसे हमें भूनना है, स्लो फ्लेम पे भूनिएगा, बिल्कुल भी गैस की फ्लेम फास्ट मत कीजिएगा। ये आटा हमें स्लो फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से भून कर तैयार करना है और हमें 1/3 कप के करीब ही बनाया है, काफ़ी कम है मात्रा तो बहुत ही जल्दी भून करके तैयार हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं
तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं धीरे धीरे आटा अपना कलर लेने लग गया है। बस इसी तरह से हमें कंटिन्यू भूनते रहना है और भूनते हुए हमें उतना भूनना है कि आटे का कलर हल्का सा सुनहरा गुलाबी कलर का सिक करके तैयार हो जाएगा। बिस्किट कलर आप बोल सकते हैं, हल्का सा बिस्किट कलर से गहरा रंग हो जाएगा। तब तक हमें इसे भूनकर तैयार करना है। तो यहाँ देखिए आटा भूनते हुए 10 मिनट हो चुकी है और महक भी पूरे घर में आने लग गई है। अड़ोस पड़ोस में भी महक आने लग गई होगी, क्योंकि इसकी महक ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि सबको पता चल जाता है कि आटा घी में भून रहा है और कुछ मीठा बन रहा है। तो देखिए यहाँ आटा काफ़ी अच्छे से भून चुका है और काफ़ी बहुत ही अच्छा सा बिस्किट से भी काफ़ी सुनहरा रंग ले लिया है और गहरा हल्का सा ब्राउन कलर आप कह सकते हैं, उतना हमें भूनकर तैयार करना है। और अब हमें कर देनी है गैस की फ्लेम बंद और उसके बाद में इसमें हमें ऐड करना है गुड़। और यहाँ आपको एक बार मैं कलर भी दिखा देती हूँ आटे का। यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से भूनकर तैयार हो चुका है। तो बस गैस की फ्लेम बंद कर दी है और उसमें 1/3 कप के करीब ही हमें गुड़ ऐड करना है। और 1/3 कप मैंने गुड़ ले लिया है, सभी मात्रा सेम है, 1/3 कप के करीब घी, 1/3 कप के करीब आटा और 1/3 कप के करीब ही गुड़। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। गैस की फ्लेम देखिए गौर कीजिएगा कि मैंने बंद कर दी है, क्योंकि आटा और घी काफ़ी गर्म है तो उसी में अच्छे से गुड़ मेल्ट हो जाएगा। और आपको पहले घी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा दिख रही थी, लेकिन जैसे ही गुड़ डालते हैं ना तो सारा का सारा घी सोख कर लेता है गुड़। और यहाँ आप देख सकते हैं आटा, गुड़ और घी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो बस इसे हम थाली में ले लेंगे और ग्रीस की हुई थाली है तो उसी में हम उसे फैला देंगे। और स्पैचुला की सहायता से मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है और उसके ऊपर हम मैं डाल रही हूँ तिल, भुने हुए तिल है। इसके ऊपर आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, भुना हुआ आप डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। और अच्छे से थोड़ा सा स्पैचुला से मैंने टैप कर दिया है और अच्छे से शेप दे दिया है। और आप देख सकते हैं काफ़ी सारा घी है जो बाहर आ चुका है, एक्स्ट्रा घी था तो वो निकल चुका है। और अब हम हल्का सा गर्म है उसी में हम कट लगा देंगे, जिससे ठंडा होने के बाद में हम अगर हम कट लगाएंगे ना तो अच्छे से कट नहीं होगा और वो बिखर जाएगा। तो बस यहाँ हमने कट लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट जैसे आपको पसंद है वैसे कट लगा दीजिए। मुझे जिस तरह से पसंद था उस तरह से मैंने कट लगा दिए हैं, क्योंकि बीच वाला हिस्सा जो है ना वो अच्छे से कट जाएगा। और अच्छे से अभी ठंडा हो चुका है तो चलिए मैं डिमोल्ड करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए छोटे छोटे टुकड़े जो है ना उसे मैंने अलग कर दिए हैं और बहुत ही ईजिली ये निकल जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सॉफ्ट, एकदम ही सॉफ्ट मेल्ट एंड माउथ, जिसके दांत भी नहीं है ना वो भी आराम से खा सकता है, इतनी सॉफ्ट वाली ये सुखड़ी बन करके तैयार होती है। तो चलिए मुझे प्रसाद के लिए लेके जानी है तो उसमें सबसे पहले मैं ले लेती हूँ, और मैं थोड़ी सी ही बनाती हूँ डेली, थोड़ी मात्रा में ही मिठाई बनाती हूँ जिससे डेली बेसिस पे वो ख़त्म भी हो जाए। और ये है घर के प्रसाद की कटोरी, बस उसमें भी मैं निकाल देती हूँ, ले जाने के लिए भी तैयार है। और घर के प्रसाद, घर के मंदिर के लिए, मंदिर के भगवान के लिए भी मैंने रख दी है। तो ये है मेरी आज की पूजा की थाली, इसमें है चावल, रोली, कुमकुम और अबिल, गुलाल और साथ में है दूध और पानी। और ये है दिया की बाती, जिसे मैंने बाती को बाती में घी में करके और मैंने फ्रीज़र कर दिया है, जिसे ले जाने में मुझे अच्छा पड़ता है। और साथ में ही मैंने कपूर ले लिया है और एक बड़ा सा दिया कथा करते हैं उस वक्त। और फिर आरती के लिए मैंने एक फ्रीज़र से निकाला हुआ दिया और बाती है। और ये साथ में है सूत्र का धागा और साथ में ये है माला। तो बस यही है मेरी सिंपल सी पूजा की थाली, जो व्रत में हम अधिक मास में इस तरह से तैयार करके मैं ले जाती हूँ। तो चलिए आज के दर्शन भी मैं करवा देती हूँ आपको। ये है पूजा करे हुए हमारे गोरमा।
तो चलिए इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के अंत तक। शायद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।